एक मिनट रिलेटेड ही है, मैं उसमें आप पहले ही आपको बता देता हूँ उसका। देखें जी, बात यह है कि हमारे 6,000 से ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं वो ईरान में गए हुए थे। वो तमाम के तमाम जो थे वो वहाँ पे ज़्यादा गैर महफूज थे ईरान में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस और बहुत ज़्यादा वबा फूट चुकी थी। बड़ी सोच समझ के बाद ये फैसला किया गया कि उनको एक हिकमत अमली के तहत एक प्लान बना के उनको बैचेज में हम लेकर आए। इस सिलसिले में जो बेहतरीन हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिल के एक पूरा प्लान बनाया गया था। तफ्तान एक बड़ी दूर अफ्तादा और बड़ी मुश्किल जगह है, और वहाँ पे हमने बहुत मेहनत के साथ एक क्वारंटाइन बनाया और वहाँ पे लोग रहे। अब वहाँ से फिर लोगों ने जब 14 दिन मुकम्मल किए तो उनको आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ कि वो कोई आइडियल जगह नहीं थी उनको रखने की, लेकिन इसके अलावा कोई चॉइसेस भी नहीं थी वहाँ पे। तो जो बेहतरीन एहतियातें कर सकते थे वो कीं। उसके बाद उनको बड़े एक सिस्टम के तहत वहाँ से निकाला, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, या और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला साहब ने भी ये बात इस अंदाज में की होगी, क्योंकि मेरा उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। आज भी सुबह उनसे बात हुई और उन्होंने ये जो फैसला किया वहाँ पे उनको दोबारा क्वारंटाइन करने का, बेहतर हालात में बहुत अच्छा फैसला है। उनके टेस्ट किए बहुत अच्छा फैसला है। हमें उसमें पॉजिटिव मिल गए, अच्छी बात है हमें मिल गए, क्योंकि अगर ये ना मिलते तो ये इसी तरह अपने घरों में चले जाते और बीमारी फैलाते। तो हमें तो इसकी तारीफ करनी चाहिए कि मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, कि जिसमें एक फिल्टर से गुजरे, फिर दूसरे से गुजरे, फिर तीसरे से गुजरे। तो इससे पाकिस्तान के लोगों को की सेफ्टी इंश्योर करने में मदद मिली है। बाकी सूबों में भी यही होगा, उनकी भी हम हेल्प कर रहे हैं, वो खुद भी कुछ काम कर रहे हैं। तो